शराब बहुत कड़वी होती है, फिर भी लोग इसे पीते हैं। तरह तरह के उपाय करके पीते हैं, कभी मिक्सचर नमकीन के साथ, तो कभी चिकन के साथ, तो कभी कोल्ड ड्रिंक में डाल डाल कर पीते हैं। शराब जब इतनी कड़वी होती है तो इसे पीना इतना जरूरी क्यों है? अब बात आई समझ में, क्योंकि शराब पीने से पीने वाले का कॉन्फिडेंस लेवल बुस्टअप हो जाता है, उसका आत्मविश्वास अचानक बढ़ जाता है। शराब के सेवन के समय मस्तिष्क में कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो शराब के सेवन को आनंददायक बना देते हैं। व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी से थोड़ा हटकर बिहेव करता है, उसकी यादाश्त और उसका कंसंट्रेशन पावर भी प्रभावित होता है। जो कुछ भी मेमोरी यादाश्त उसके अंदर है उसको वह भूलना चाहता है और अपने को लोगों के सामने कुछ हटकर दिखाना चाहता है। शादी विवाह पार्टी फंक्शन में कुछ लोग एक लिमिट में शराब पीते हैं और अपने आप को लोगों के सामने कॉन्फिडेंट दिखाना चाहते हैं। सड़क पर चारों तरफ पोस्टर होर्डिंग्स लगे हैं, शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। शराब पीकर गाड़ी चलाना स्वयं मौत को बुलाना। शराब पीकर गाड़ी चलाओगे मौत की गारंटी मुफ्त में पाओगे। ट्रैफिक पुलिस हाथों में मुंह की दुर्गंध चेक करने वाली मशीन लेकर खड़ी है। लोग पकड़े जाते हैं, जुर्माने होते हैं, लेकिन फिर भी लोग शराब पीते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसने शराब पी रखी है उसको मालूम है कि शराब पीने से ही उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। शराब पीने से ही उसके पूरे शरीर में एक आनंद, एक मस्ती छा जाती है। वह इसे दवाई समझता है। पीने के बाद ही उसे लगता है कि वह अपनी जिंदगी जी रहा है। उसे एक खुशी महसूस होती है, उसके पूरे शरीर और मन में एक मस्ती छा जाती है। उसके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं। क्या यह सच है? क्या यह सच है कि इसका कोई विकल्प ही नहीं? यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसका विकल्प है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें एक पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं और इसमें मुंह से दुर्गंध भी नहीं आती। सुनकर चौंक जाएंगे आप, चौंकिए मत। हमारे कुंडलिनी क्लिनिक के साधक पुष्कर सिंह रावत पूछते हैं, गुरु जी जब मैं कार चला रहा होता हूं तो आज्ञा चक्र में बड़ी गुदगुदी होती है और उस समय पूरा ध्यान रोड पर रहता है और बड़ा ही आनंद आता है, मन करता है ऐसे ही रहे। गुरु जी आप बता सकते हैं ये क्या हो सकता है? जब उन्होंने ये सवाल पूछा तो मेरे अंदर गुदगुदी होने लगी, क्योंकि जब मैं बाइक चलाता हूं तब मेरे साथ भी ये होता है, मेरे आज्ञा चक्र में गुदगुदी होने लगती है और बाइक चलाने में बड़ा ही आनंद आता है। सोचिए ऐसा यदि सबके साथ होने लगे तो कार चलाना, बाइक चलाना, ड्राइविंग करना कितना आनंददायक होगा और एक्सीडेंट भी नहीं होगा। आनंद भाव में लोग गाड़ी चलाते रहेंगे और किसी के जान के जोखिम का भी कोई खतरा नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है और किसके साथ होता है? ऐसा पीनियल ग्लैंड के एक्टिवेट होने के कारण होता है और ऐसा केवल ध्यान के साधकों के साथ होता है, क्योंकि पीनियल ग्लैंड ध्यान में ही एक्टिवेट होता है और योग और ध्यान की दुनिया में पीनियल ग्लैंड को आज्ञा चक्र, तीसरी आंख, थर्ड आई, दिव्य चक्षु के नाम से जाना जाता है। ध्यान का साधक जब प्रतिदिन ध्यान करता है
उसका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने लगता है। उसके दोनों भावों के बीच गुदगुदी जैसा सेंसेशन होने लगता है और उसके पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन का सेक्रेशन शुरू हो जाता है। इस हार्मोन को मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है और यह ब्रेन में मौजूद कई प्रकार के हैप्पीनेस हार्मोन, जिसे गुड फीलिंग हार्मोन भी कहते हैं, हार्मोन्स के सेक्रेशन को बढ़ा देता है। ब्रेन में डोपामिन, एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन का सेक्रेशन बढ़ जाता है और साधक अंदर ही अंदर अपने को बहुत ही खुश मिजाज महसूस करने लगता है। उसके पूरे शरीर में एक आनंद भाव भरा होता है और वह अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंट महसूस करता है। अब कार या बाइक चलाते समय ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम बाइक या कार चला रहे होते हैं तो बिल्कुल सामने की तरफ देखते हैं और बहुत दूर तक देखते हैं। हमारी आंखें केवल देखती हैं, केवल देखती हैं। हमारे मन में उस वक्त बहुत कम विचार होते हैं, यानी कि हम 95% देखते हैं और बीच में 5% इधर उधर से विचार भी आते हैं। ड्राइविंग करते समय हम ज्यादा सोच नहीं सकते, क्योंकि ज्यादा सोचने से एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। तो ध्यान का साधक जब ड्राइविंग कर रहा होता है तो उसके सब कॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल जाता है कि अभी वह साक्षी भाव में है, अभी वह विजुअलाइजेशन में है और सब कॉन्शियस माइंड केवल देखता है, वह तर्क नहीं करता। और जब ऐसा ब्रेन में सिग्नल पहुंचता है तब सब कॉन्शियस माइंड पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने लगता है और पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन के साथ सारे हैप्पीनेस हार्मोन्स एक साथ सेक्रेट होने लगते हैं। क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड केवल एक्शन को समझता है और ये सारे एक्शन ऑटोमेटिक अपने आप आनंद भाव में होने लगते हैं और ध्यान का साधक ड्राइविंग करते हुए आनंद भाव में चला जाता है और वह साक्षी भाव में, आनंद भाव में विजुअलाइजेशन की तरह ड्राइविंग का आनंद उठाने लगता है। ड्राइविंग उसके लिए एक बहुत ही मजेदार अनुभव बन जाता है। शराब पीकर गाड़ी चलाना बहुत ही खतरनाक है। यह खुद के साथ साथ दूसरों की जान को भी जोखिम में डालने के बराबर है। जब अल्कोहल की मात्रा एक तय मात्रा से ब्लड में अधिक बढ़ जाती है तो शराब पीने वाले का रिएक्शन टाइम धीमा हो जाता है, लेकिन गाड़ी की रफ्तार कम नहीं होती, वह कंट्रोल नहीं कर पाता और खतरनाक परिस्थितियों में हादसे का शिकार हो जाता है, वह अपना होश गंवा बैठता है। लेकिन ध्यान का साधक जब ड्राइविंग करता है तो वह पूरे होश पूर्वक ड्राइविंग करता है, गाड़ी उसके पूरे नियंत्रण में होती है, वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी चलाता है। शराब पीने से जो कॉन्फिडेंस आता है वह शराब के नशे के उतरने के साथ ही उतर जाता है, लेकिन ध्यान में जो कॉन्फिडेंस साधक को आता है, जो ऊर्जा उसके शरीर में होती है, वह 24 आवर्स के लिए होती है, उसका कॉन्फिडेंस कभी नहीं डगमगाता। एक साधारण ड्राइवर जब कार या बाइक चला रहा होता है तब अचानक सामने से तेज रफ्तार में कोई गाड़ी आ जाए तो उसकी सांसें थम जाती है और उसके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, वह बिल्कुल डर जाता है कि कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। लेकिन एक ध्यान का साधक ऐसी परिस्थिति में भी जहां बचने की संभावना न के बराबर होती है, ऐसी स्थिति में भी उसका शरीर और मन स्थिर रहता है और एक्सीडेंट की संभावना टल जाती है। उसके शरीर में गजब का कॉन्फिडेंस होता है, हैंडल पर हाथों की पकड़ बहुत ही मजबूत होती है।
और बाइक चलाते समय जब आज्ञा चक्र पर गुदगुदी होती है तो ये दोनों आंखें ऊपर की तरफ आज्ञा चक्र की तरफ खींचने लगती है। आज्ञा चक्र में एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ये दोनों आंखों को ऊपर की तरफ खींचता है, और ये जब दोनों आंखें ऊपर की तरफ खींचती चली जाती है तो आंखें बिल्कुल बड़ी और चौड़ी हो जाती है, और जब आंखें चौड़ी हो जाती है तब बाएं और दाएं दोनों साइड में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है, और बाइक ड्राइविंग में और भी आनंद होता है। एक विजुअलाइजेशन की तरह बहुत दूर तक सब कुछ बाएं दाएं चारों तरफ दिखाई पड़ता है।